Assalamualaikum, नमस्ते बाबा, हैप्पी टू सी यू अगेन इन जेनेटिक्स. सो सचो तो मुझे पा ढी खुशी थे भाई तो पा उन चैप्टर से आया हूँ जो तुझे लाइन तमाम घणो इम्पॉर्टेंट जरूरी है. सो हलो कुछ अगत हलूँ. अठों चैप्टर असो वेरिएशन इन जेनेटिक्स. इन में पैं पा थोड़ा डील कंदी हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स के. हाँ हिस्ट्री इनकी गाय सच का घड़ी को खड़ूँ पान के वाकिफ़ आयो तो जेनेटिक्स जो बाबू असी छींदा फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल के. मेंडल केर हुए यूरोप जो कंट्री है ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया उतान जो पादरी हो मोंक हो ठीक है. ही 1822 का 1884 माना इन डेट बर्थ ईयर आ डेथ ईयर आ. इन विच में इन रिसर्च जी कई कदें कई जो मन पब्लिश थो वर्क जेनेटिक्स से वो 1868 में आ 1868 में इन जेनेटिक्स लास्ट दिना 1869 में वासी तो कें दिना उसा डार्विन जहा लास्ट दिनल इवोल्यूशन के बारे में पा इनके फादर ऑफ जेनेटिक्स चूं था. फर्स्ट वर्क ऑन द गार्डन पी अच्छा जो पैरों वेल फेमस एक्सपेरिमेंट है जो वो थे वो गार्डन पी थे पिसम सेटिवम थे तो मेंडल जो जेनेटिक्स का लास्ट डिस्कवर किया वो गार्डन पी थे या चार्जेस क्या उनके गाल क्यों जेनेटिक्स के लास्ट की तो जेनेटिक्स के लास्ट की जी डिस्कवरी वह फर्स्ट टाइम कें कई वह ग्रेगर जॉन मेंडल कई है वो लास्ट कड़ा कड़ा उन्होंने तो बेसिक वर्क कड़ो. अच्छा हाँ मेंडल जैसे पाँच रिसर्च कई गार्डन पी थे जी लास्ट दिना वह तो उन वक्त समझा को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन ने भी आर्टिकल्स लिखा सो कम किया पर उन दौर में यह शे समझ में घट आई उन तकरीबन हाँ 68 माना जो कर 70 1870 में लास्ट दिना 1900 में टे साइंटिस्ट जिन इन कम के रीडिस्कवर किया 1870 का 1900 माना लगभग 30 साल यानी आफ्टर 30 to 32 years बाद में जो वर्क एप्रिशिएट किया रीडिस्कवर किया अंडरस्टैंड किया वे केर हुआ टे साइंटिस्ट एक हुए ह्यूगो डी वेरिस डच साइंटिस्ट हुए वेराइस बो कार्ल कोरेंस हुए जर्मन हुए टिशे मार्क हुए ऑस्ट्रियन हुए माना इन मुल्क जो इन टिन्ही इंडिपेंडेंटली वर्क किया सागे नतीजे से पौता जैसे मेंडल पौतो हो तो उनका रॉयल सोसाइटी इन टिन्ही मांग के कॉल किया वही सारी गाल समझण की कई बाद में थोड़ा सारा राइट अप्स आया 1900 में इन रीडिस्कवर करण का 1902 में विलियम बेटसन आ जो थोड़ा सो जेनेटिक्स के लास्ट से कम किया उनका बया खोड़ सारा साइंटिस्ट एक्सेट्रा उन वर्क सामूँ अचे तो पो टर्म जेनेटिक्स कें दिनों वो विलियम बेटसन यो ब्रिटिश साइंटिस्ट हो जो 1905 में टर्म जेनेटिक्स दिनों जेनेटिक्स जो टर्म ग्रेगर जॉन मेंडल को दिनों पा छह चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी आयो जैसे असि आर्चिबाल्ड गेरोट वाली डिस्कवरी पढ़ी सी पेड़ो डॉक्टर हो तो उन डीन में ठोसी तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट विलियम बेटसन जे जेनेटिक्स जो टर्म इंट्रोड्यूस किया ठीक है. जेनेटिक्स लफ्ज की माना है जेनेसिस लफ्ज में वतल है जैसे माना है बाय बर्थ बर्थ तो जेनेटिक्स अड़न कैरेक्टर्स के चब बाय बर्थ हूँ जैसे चवन लाइक बिगेट्स लाइक जड़ा कांव तड़ा बच्चा ठीक है. यो यो जेनेटिक्स जो बेसिक जुमलो आ तो लाइक बिगेट्स लाइक जड़न में जड़ा ठहंदा तड़न में तड़ा ठहंदा मतलब तो जड़ो जीन हों तड़ो कैरेक्टर थी एक असा में हूँ उ फीचर्स उ कैरेक्टर्स जो असं सीखा बार हासिल क्या मिसाल तौर कें काढ़े के रंग कारो थी वे यो जेनेटिकल को इन्वायरमेंटल एक्सेट्रा पर उनको कलर आ बेसिकली वो जेनेटिकल को ब्यूटी पार्लर में वो घुंडी करा अचे तो यो इन्वायरमेंटल फैक्टर आ पर कंजा कुदरती वार जो घुंडी हुजन तो यो जेनेटिकल कैरेक्टर आ. सो जेनेटिकल जो मतलब हों बाय बर्थ तो विलियम बेटसन फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स लफ्ज इंट्रोड्यूस किया. अच्छा उन विलियम जॉनसन बो डेनिश बॉटनिस्ट हुए जे टर्म जीन क्वाइन किया. अच्छा जर असं गाल इनकी मेंडल की तो मेंडल लफ्ज जीन को दिनों यूनिट फैक्टर इन कड़ो लफ्ज इस्तेमाल किया शायद पा किथे को दिनों तो मथे दियण घुर्जे. सो मेंडल लफ्ज दिनों यूनिट यूनिट फैक्टर इन जीन इस्तेमाल को बूटन में जानवर में एक यूनिट फैक्टर्स कदें कदें यो इंदो एम सी क्यू तो हु पॉइंट टर्म जेनेटिक्स तो असं अक्सर गलती कर समझा मेंडल ही दिनों हों या वो चाहे फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंडल
छो त जॉनसन जो नालो असांजी किताब न ॾिनल आहे त पोइ ईअं कंदा त विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेगर जॉन मेंडल ही वर्क ऑन गार्डन पी फाइन ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स फाइन ही इंट्रोड्यूस द टर्म जीन दैट्स रॉन्ग हिन कोन इंट्रोड्यूस कयो हिन यूनिट फैक्टर चयो बाद में जॉनसन जेको आहे हिनखे माना जीन लफ्स प्रोड्यूस कयो जेको वरी बाद में एक्सेप्टल रहियो ऐं सभिनी ते फॉलो थियो हाणे हीअ थोरी जेकी हिस्ट्री इन ॿुधाइण जो सबबु बि इहो त इन सां रिलेटेड एम सी क्यूस ईंदा आहिनि त जेनेटिक्स जो लफ़्ज़ कंहिं ॾिनो जीन जो लफ़्ज़ कंहिं ॾिनो जेनेटिक्स जो बाबो केरु थो सॾिजे कहिड़ा टे साइंटिस्ट अचनि रीडिस्कवर कयो एक्सेट्रा उन करे थोरी सॼी डेटा पाण वटि हुजे हेल्प कंदी हाणे थोरो बेसिक टर्म्स ते था अचूं सभिनी खां पहिरीं पहिरीं असां वटि लफ़्ज़ आहे टर्म आहे जीन छहें चैप्टर में बि पाण पढ़ी आयासीं त जीन छा आहे दैट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए माना इहो डी एन ए टुकड़ो आहे डी एन ए में सवें हज़ारनि टुकड़ा हूंदा आहिनि फिज़िकली त अलॻि न हूंदा आहिनि सॼा ॻंढियल हूंदा आहिनि पर फंक्शनली सेपरेट हूंदा आहिनि मिसाल तौरु हितां खां मैसेंजर आर एन ए ठहणु शुरू थी हिते ख़तमु थी वरी का हितां खां ठहणु शुरू थी हिते ख़तमु थी त जितां जितां मैसेंजर आर एन ए ठहे थी उहो जीन आहे ठीकु आहे डी एन ए में फंक्शनल टुकड़ा बि हूंदा आहिनि नॉन फंक्शनल टुकड़ा बि हूंदा आहिनि त डी एन ए जा जेके फंक्शनल टुकड़ा आहिनि जेके ट्रांसक्रिप्टेबल आहिनि ऐं ट्रांसलेटेबल आहिनि दीज आर द जीन्स सो पाण चवंदासीं त जीन बेसिकली छा आहे इहो डी एन ए जो टुकड़ो आहे सो दैट इज़ फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए अच्छा उन फ्रेगमेंट ऑफ डी एन ए में छा हूंदो आहे हैविंग उन में छा हुजणु घुरिजे पर्टिक्यूलर अबा हिन में पर्टिक्यूलर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अबा न्यूक्लियोटाइड्स जो पर्टिक्यूलर नंबर ऐं सीक्वेंस हुजे मिसाल तौरु असीं सिकल सेल एनीमिया में ॾिठोसीं त थोरो बि सीक्वेंस बेस पेयर्स जो अॻिते पई थो थियो त पूरो जीन गड़बड़ थी वियो ऐं सिकलिंग थी वई सेल्स में सो पहिरीं ॻाल्हि त प्रॉपर नंबर हूंदो आहे हर जीन में पंहिंजो पर्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आहे न सिर्फ़ु हुनजो नंबर आहे बल्कि हुनजो सीक्वेंस बि आहे एंड कैरी अ कैरेक्टर एंड कैरी अ कैरेक्टर ऐं उन मां पोइ कैरेक्टर बि निकिरे मतिलबु घुंडी वार सिधा वार ब्राउन आइज़ ब्लैक आइज़ दीज आर द कैरेक्टर्स ओके अच्छा उन खां पोइ अचूं था लफ़्ज़ जेनेटिक्स ते जेनेटिक्स छा आहे स्टडी ऑफ जीन हिनखे सिंपल करे सघिजे थो अबाद स्टडी ऑफ जीन सिर्फ़ु जीन्स जी स्टडी न उन्हनि जी कंपोज़िशन जीन जी कंपोज़िशन कहिड़ी आहे जीन जो वर्किंग मैकेनिज़म त जीन कमु कीअं थो करे ट्रांसक्रिप्शन कीअं थी थिए ट्रांसलेशन कीअं थी थिए अवर वर्किंग मैकेनिज़म गॾो गॾु एंड एरर्स मिसाल तौरु जीन्स में एरर्स थींदा त म्यूटेशन थींदी ऐं म्यूटेशन मुख़्तलिफ़ डिसऑडर्स प्रोड्यूस कंदी आहे सो इहो सॼो कुझु जेनेटिक्स जो कमु आहे त जीन कीअं ठहियल आहिनि जीन कीअं ऑपरेट कंदा जीन में एरर्स थींदा त छा थींदो अच्छा उन खां पोइ असां चऊं था हेरिडिटी हेरिडिटी इनहेरिटेंस थोरो असांखे कन्फ्यूज़ कंदा आहिनि लफ़्ज़ भई मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि पर थोरो फ़र्क़ु हूंदो आहे असीं लॉज़ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ंदासीं या लॉज़ ऑफ हेरिडिटी पाण चऊं था हाणे ॿिए टर्म ते दैट इज़ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस हाणे हेरिडिटी इनहेरिटेंस में थोरो फ़र्क़ु हूंदो आहे पर हिते असां वटि ज़्यादातर हिनखे कॉमन वरितो हूंदो आहे उन करे असीं बि हिनखे कलेक्टिव था वठूं बेसिकली हेरिडिटी छा हूंदो आहे त पेरेंट्स खां ऑफ स्प्रिंग ते कैरेक्टर्स पास कीअं था थियनि अबा हीअ बेसिकली छा आहे दैट इज़ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to offspring ठीकु आहे हाणे जेके कैरेक्टर्स वालदेन खां बचन में अचनि था असीं हिनखे हेरिडिटी चवंदा आहियूं लॉज ऑफ हेरिडिटी अच्छा इनहेरिटेंस में इहो हूंदो आहे त मिसाल तौरु वालदेन मां जेके कैरेक्टर्स बचन में शिफ्ट थी विया हाणे बचन जो पंहिंजो जेनेटिक मेकअप कहिड़ो आहे ठीकु आहे जीअं मिसाल तौर ते असां वटि हिकिड़ी हूंदी आहे मिल्कियत ॿियो था विरसो विरसो जो मतिलबु आहे जेको वालदेन मां मिलियो मिल्कियत जो मतिलबु आहे जेका तव्हां वटि आहे मिसाल तौरु तव्हां वटि उहो कुझु आहे जेको वालदेन मां मिलियो प्लस में तव्हां कुझु पंहिंजो कमायो त मिल्कियत लफ़्ज़ ब्रॉडर आहे ऐं विरसो जेको आहे उहो सिर्फ़ु इहो थो ॿुधाए जेका असीं तव्हांखे वालदेन मां मिली आहे त हीअ आहे विरसो जेनेटिकल विरसो जीनियाती विरसो त वालदेन मां तव्हांखे कहिड़ा कैरेक्टर्स मिलिया हीअ आहिनि तव्हां वटि कहिड़ा आहिनि अच्छा तव्हां सोचींदो त साईं असां वटि त उहे ई जेनेटिकल कैरेक्टर हूंदा न जेके वालदेन मां मिलिया ॿिया कहिड़ा हूंदा फ़र्ज़ु कयो त वालदेन में सिकल सेल एनीमिया जी बीमारी न हुई ॿार में थी वई इन जो मतिलबु आहे त ॿार जॾहिं नंढो हो हुन में का म्यूटेशन थी हूंदी गड़बड़ थी हूंदी हाणे इहो जेको गड़बड़ियल कैरेक्टर आहे इहो ॿिन्ही वालदेन वटि न हो उहो नओं आहे समथिंग न्यू आहे त ॿार वटि कुझु अहिड़ो बि थी सघे थो जेको समथिंग न्यू हुजे सो हीअ बेसिकली हूंदो आहे जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल अवा हीअ आहे जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल अच्छा इहो वरी असां
बाद में जीन पूल था मैंने के मिक्स करे अंदाजे थी दो हाने थोरो छोको यो जो डिफरेंस आहे में सही पर असा वटन मिली टर्म्स के गद करे वतो इंदो आ ज्यादातर ताले स किथे लिखे पतो लॉज ऑफ हेरिडिटी किथे लिखे पतो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जे जे करे असा उन मानु जे जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट के छरण जे बजाय इने के सा कलेक्टिव वठंदासी ए कलेक्टिव वठंदासी तो छा चंदासी हेरिडिटी इनहेरिटेंस चाहे फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग सो असा ने के कलेक्टिव लिखोसी तब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या That is flow of characters from parents to offspring. ठीक है, so ये चीज़ ऐसा inheritance है, heredity. हाँ ये चुनता allele. Allele छा के चाहे वो अब first को तो ही कुछ क्रोमोसोमा है ना में इतने कुछ जीन है, ये भी वो जीन है, ट्रियो जीन है. हाँ इतने फर्ज पे आए जो साइज जो जीन आ आए जो शेप जो जीन आ आए जो कलर जो जीन अच्छा जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बिन पेरेंट्स में जाए तो जो बो क्रोमोसोम इंदो सागे क्रोमोसोम की जोड़ी उतने भी एग्जैक्टली सागे पैटर्न से सागे जीन्स हों हाँ फर्ज पे इतने भी आए कलर आप इतने भी आए कलर आप इतने आए कलर ब्लैक आते आए कलर ब्राउन आ तो ब्राउन ए ब्लैक एक में अच्छा थे कंट्रास्ट कैरेक्टर्स पर उ जीन्स जी एक में अपोजिट एक्सप्रेशन खणन था तो उनके जीन्स के छा चबो उन जीन्स के चबो अलील्स माना ही ब्लैक वारो छा अलील छा जो अलील ब्राउन छा अलील छा जो अलील ब्लैक जो तो मतलब ये एक बजे कंट्रास्ट फॉर्म्स इन सो असी चंदा से अलील छन इन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन मिसाल तौर असा चाहे जैसे ब्लैक आए जो जीन न हो माना बो ऑप्शन कड़ो ब्राउन हाँ ब्राउन बो ऑप्शन अल्टरनेट फॉर्म यो थी जो अल्टरनेट फॉर्म तो अस जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म के अलील चवंदा जी बी कैपिटल अलील है बी सिमाल जो या जी टी कैपिटल अलील है टी सिमाल जो ये कभी अलील से लोकस लोका लोकस चबो फिजिकल पोर्शन ऑफ अ जीन फर्ज को जीन से 1800 क्रोमोसोम से 1800 जीन से असा जी गाल बाबा फलाने जीन में म्यूटेशन थी कड़ी क्रोमोसोम नंबर पंज के जीन नंबर बारह थे हाँ बारह नंबर जीन दिस इज द पोजिशन दैट इज द लोकेशन मिसाल तौर जी इतने जीन वन जीन टू जीन थ्री अब ये लोकेशन नंबर वन ये लोकेशन नंबर टू ये लोकेशन नंबर थ्री छाते क्रोमोसोम से जी कें गाड़ी में सीटू होंद सीटू से मूँ वा तक नंबर मिल या ट्रेन में बाबा तुम बोगी नंबर फलानी और सीट नंबर फलानी है तुझी लाइक दिस तो वह सीट तुम लोकस होंगी लोकेशन होंगी सागे नाम से कें क्रोमोसोम से जीन्स रखल हूँ जी फिजिकल पोजिशन है दैट इज कॉल्ड लोकस दिस इज वॉट फिजिकल पोजिशन of genes on chromosomes. Okay. हाँ वे असं ज्यादा डोमिनेंट जीन्स हूँ बैरेसिस हूँ डोमिनेंट उनके चबो आ जो कैन एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कदें इन दी हेट्रोजाइगस कंडीशन अब हेट्रो जायगस कंडीशन मिसाल हाँ जैसे अस बी कैपिटल बी इस्तेमाल रखू हाँ बी कैपिटल फर्ज कर ब्लैक जो बी इस्तेमाल ब्राउन जो तो ब्लैक पान जाहिर कर ब्राउन जाहिर न करो छो को कौन छो तो सप्रेस थी बाय दिस जीन हाँ जो जीन सप्रेस करे तो वो डोमिनेंट जो सप्रेस थे तो वो रिसेसिव मतलब हाँ अस लिखासी तो ये विच कैन नॉट एक्सप्रेस में इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाँ इतने बी कैपिटल बी सिमाल में बी सिमाल असो रिसेसिव इतने बी कैपिटल बी सिमाल में बी कैपिटल असो डोमिनेंट आ सो डोमिनेंट वो है यो सप्रेसर आ रिसेसिव वो है यो सप्रेस्ड आ जो जीन सप्रेस थे लिखी वे गुम थी वे दैट इज रिसेसिव जो जीन सप्रेस करे बे कैरेक्टर के गुम करे दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट अच्छा हाँ पा गाल कैसे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होमोजाइगस मतलब आ अड़ी कंडीशन्स जैमें बई अली सागा हो जाए जी टी कैपिटल
या जे टी इस्तेमाल टी इस्तेमाल, जे बी कैपिटल जीअं बी इस्तेमाल बी इस्तेमाल, डॉमिनेंट हुजनि या रिसेसिव हुजनि, भई हिकु जहिड़ा हुजनि, इन खे असीं प्योर ब्रीड चवंदा आहियूं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेवर ब्रीड, माना प्योर ब्रीड। पहिरियों माण्हू चवंदा आहिनि खीर पेवर आहे, सो इहे बि पेवर आहे बाबा। दिस इज़ कॉल्ड प्योर ब्रीड, अब हीअ प्योर ब्रीड आहे, ठीकु आहे। अच्छा, उनजे मुक़ाबले में हेट्रोज़ाइगस हुनखे चइबो आहे जंहिंमें ॿ कंट्रास्ट कंडीशन मौजूदु हुजनि, जीअं टी कैपिटल टी इस्तेमाल, बी कैपिटल बी इस्तेमाल, ठीकु आहे। हाणे हिन में छा आहिनि, ॿ अलॻि अलॻि कंडीशन्स आहिनि, हेट्रो डिफरेंट, ज़ाइगस माना गेमेट्स जी कंडीशन या एलियंस जी कंडीशन। इनखे असां ॿियो छा चवंदा आहियूं, इन जे लाइ असां ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं, इम्प्योर ब्रीड। अञा टियों लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं हाइब्रिड, जिते हुन असां चवंदा त फलाणी खे हाइब्रिड आहे, अंडरस्टूड सम्झो त इहा हेट्रोज़ाइगस आहे। सो हेट्रोज़ाइगस खे असीं इम्प्योर ब्रीड बि चयोसीं, हाइब्रिड बि चयोसीं। फीनोटाइप जीनोटाइप, हीउ रेशियोज़ जो नालो आहे, जेनेटिक क्रॉसिस में जेके रेशियोज़ थींदा आहिनि। मिसाल तौर ते असां हिन टी कैपिटल टी इस्तेमाल खे क्रॉस करायोसीं टी कैपिटल टी इस्तेमाल सां, ठीकु आहे। हाणे फर्स्ट खे फर्स्ट सां मिलायोसीं त दैट इज़ टी कैपिटल टी कैपिटल, फर्स्ट खे सेकेंड सां मिलायोसीं त टी कैपिटल टी इस्तेमाल, सेकेंड खे फर्स्ट सां त टी कैपिटल टी इस्तेमाल, ऐं सेकेंड खे सेकेंड सां त टी इस्तेमाल टी इस्तेमाल, ठीकु आहे। हाणे जेके चार पॉसिबिलिटीज़ ठहियूं आहिनि, हुन में टे त टाल आहिनि, थ्री रेशो हिकिड़ो ड्राफ आहे वन, त इहो जेको थ्री रेशो वन आहे, दिस इज़ फीनोटाइप। छो फीनोटाइप, छो त इहो फिज़िकल अपीयरेंस जे बेसिस ते आहे, यानी अहिड़ो रेशो असीं हिनखे चवंदासीं रेशो बेस्ड ऑन फिज़िकल अपीयरेंस, ठीकु आहे। अहिड़ो रेशो जेको असां फिज़िकल अपीयरेंस जे बेसिस ते कयो आहे, जिन थ्री रेशो वन। अच्छा, पर जेकॾहिं जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी खे ॾिसूं, मेकअप खे ॾिसूं, त पोइ न थींदो, पोइ हीउ टाल आहे होमोज़ाइगस, दिस इज़ वन टी कैपिटल टी कैपिटल, हीउ ॿ टाल आहिनि हेट्रोज़ाइगस माना टी कैपिटल टी इस्तेमाल, आख़िरी वारो आहे ड्राफ होमोज़ाइगस, ड्राफ हमेशह होमोज़ाइगस थींदो। हाणे ॾिसो क्रॉस साॻियो ई आहे, हिते रेशियो आयो आहे थ्री रेशियो वन, छो त इहो फिज़िकल अपीयरेंस जे बेसिस ते आहे। हिते रेशियो आयो आहे वन रेशियो टू रेशियो वन, छो त इहो जेनेटिक मेकअप जे बेसिस ते आयो आहे। अहिड़ो रेशियो जेको जेनेटिक मेकअप जे बेसिस ते आहे, असां हुनखे चवंदा आहियूं दैट इज़ कॉल्ड जेनोटाइप या जीनोटाइप। सो जेनोटाइप माना जेनेटिक रेशियो बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप, सॉरी रेशियो बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप, माना असीं हिनखे चवंदासीं त दैट इज़ रेशियो बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप। हू जेनेटिक मेकअप ते कोन हो, हू वारो फिज़िकल अपीयरेंस ते, हीउ वारो आहे जेनेटिकल मेकअप ते। ओके, जीन पूल, जीन पूल चइबो आहे कंहिं पॉपुलेशन जे सभिनी जीन्स खे। मिसाल तौरु माण्हू जे अंदरि 32,000 जीन्स हूंदा आहिनि हर माण्हू में, पर सॼी दुनिया जे इंसाननि खे मिलाईंदासीं त लॻभॻि 100,000 जीन्स आहिनि। ज़रूरी कोन्हनि त जेके 32,000 जीन्स मूं में आहिनि उहे ॿिए में बि एक्ज़ेक्टली उहे ई 32,000 हुजनि, थोरी थोरी वेरिएशन हूंदी, थोरी थोरी वेरिएशन हूंदी त कंहिं पर्टिकुलर टाइम जे अंदरि हुन पूरी आबादी में। मिसाल तौरु हिन वक़्तु सॼी धरती जे इंसाननि खे काउंट कयूं, उन्हनि जा जेके बि पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जीन्स आहिनि उनखे असां जीन पूल चवंदासीं। सो असीं चवंदासीं दिस इज़ वॉट सम ऑफ जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम, कंहिं पर्टिकुलर टाइम ते जेको सम ऑफ जीन्स आहे, ठीकु आहे। अच्छा, अलील त पाण करे आयासीं न, ॿीहर छो रखियो आहे हिते, अलील करे आयासीं, छा असीं ॾियणु पिए चाहियोसीं। अच्छा, कैरेक्टर, यस यस यस, हिते असीं कैरेक्टर पे ॾियणु चाहियोसीं या ट्रेट पे ॾियणु चाहियोसीं, ट्रेट। ॿियो हूंदो आहे कंट्रास्ट ट्रेट या कंट्रास्ट कैरेक्टर। हाणे कैरेक्टर छा खे चइबो आहे, हाणे फ़र्ज़ु कयो त असीं चयोसीं त ब्लैक आइस जो जीन आहे, ओके, पर आइस जेके ब्लैक आहिनि उहे छा आहे, जीन त आहे पर जीन जेका शइ ठाही आहे उहा कैरेक्टर आहे। कैरेक्टर जो मतिलबु आहे त जीन मां जेका शइ ठहे, कदु डिघो आहे, बिंदरो आहे, ठीकु आहे, वार गुंडी आहिनि, सिधा आहिनि, इहो 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 ट्रेट आहे। ट्रेट जो ॿियो मतिलबु हूंदो आहे कैरेक्टर, दैट इज़ कैरेक्टर।
ऐं कैरेक्टर अग में असां पंजे चैप्टर में फर्स्ट ईयर वारे में पढ़ी आयासीं त जानदारनि जे कॉन्स्टेंट फीचर्स खे चइबो आहे, परमानेंट फीचर्स खे चइबो आहे। मिसाल तौर ते अॼु मूं वटि अछा कपिड़ा आहिनि, सुभाणे कारा हुजनि त इट्स नॉट अ ट्रेट, पर मुंहिंजी जेका बूथाड़ी आहे, मुंहिंजो जेको कदबूत आहे, जेका मुंहिंजी साइज़ आहे, उहा ॿिए ॾींहं ते तकिड़ी वेरी कोन थी थिए पई, दैट इज़ कैरेक्टर। इंटेलिजेंस तकिड़ी हेॾे होॾे कोन थी वञे, दैट इज़ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर जो मतिलबु आहे परमानेंट फीचर्स। अब परमानेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। हाणे कंट्रास्ट कैरेक्टर छा आहे? द सेकंड पॉसिबिलिटी, द थर्ड पॉसिबिलिटी। मिसाल तौर ते माण्हुनि जा वार घुंडी न हूंदा त सिधा हूंदा, ब्लैक न हूंदा त ब्लॉन्ड हूंदा, अच्छा त बाद में पिगमेंटेशन जे ख़तमु थियण जे करे थींदा आहिनि। अच्छा आइस ब्लैक न हूंदियूं त ब्राउन हूंदियूं। इहो जेको एक्सप्रेशन में हिकिड़ो आहे जीन जो अल्टरनेट फॉर्म, जेके असां चयोसीं अलील, अलील छा हिकिड़े जीन जो ॿियो फॉर्म, पर कैरेक्टर जे ॿिए फॉर्म खे छा चइबो? कंट्रास्ट कैरेक्टर। सो कंट्रास्ट कैरेक्टर जो मतिलबु आहे इन अल्टरनेट एक्सप्रेशन, हिकिड़ी एक्सप्रेशन जी जेका ॿी पॉसिबल एक्सप्रेशन। ठीकु आहे। सो पाण तक़रीबन नंढा नंढा ड्रम्स कढी आयासीं जेके असांखे कमु ॾींदा। हिननि ड्रम्स खे अलॻि सां पढ़ण जो सिर्फ़ु मतिलबु इहो त जीअं ई असां मेंडल जे लास्ट में दाख़िल थींदासीं, गार्डन पी जो ज़िक्र कंदासीं, त बार बार डामिनेंट, रिसेसिव, होमोज़िगस, हेटरोज़िगस, प्योर, इम्प्योर लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदा। असां वटि हिननि जो तारीफ़ न हूंदो त असीं ॾुखिया थियूं, तंहिंजे करे पाण हिननि जो इंट्रोडक्शन करे वरितोसीं। हाणे पाण हलूं था मेंडल जे लास्ट।